स्वागत है आप सभी का तड़का मार्के में। आज मैं बनाने वाली हूँ नॉर्थ इंडियन स्टाइल चिकन करी। जैसा इसका नाम वैसा ही लाजवाब इसके स्वाद। ये बहुत ही कम सामग्री से और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला रेसिपी है, तो चलिए बनाते हैं कुछ स्पेशल टिप्स के साथ चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 किलो चिकन लिया है, उसको साफ करके मैरिनेट कर लिया है। मैं दिखाती हूँ इसमें क्या क्या सामग्री लगी है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल, सरसों तेल मैंने डाला है, 1 चम्मच दही, हल्दी, नमक और लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल दे, क्योंकि ये थोड़ी देर मैरिनेट होता है तो इसमें बस टेस्ट आ जाता है। ये मैं 1 किलो चिकन को मैरिनेट करके रखी हुई हूँ। इसके लिए मैंने 5 प्याज लिए, 1/2 किलो के करीब है ये। इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। बारीक काटने से क्या होता है कि अच्छे से गल जाता है, इसीलिए मैंने बारीक काट लिया है। 3 टेबलस्पून घी, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, 1 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मिर्ची को मैंने चॉप करके रखा हुआ है और करीब 1 इंच का अदरक है, इसे भी काट के रखना है। मैंने 1/4 इस कप से 1/4 मैंने दही लिया है। ये जितने भी स्पून है ये अमेजोन पे मिल जाता है, तो अगर आप भी ले ले तो ये आपको सही रहेगा मेजरमेंट के लिए। इसमें गरम मसाला मैंने यूज करा, ये खड़ा मसाला मैं मार्केट से लेकर के इसको बस ऐसे ही सूखा तवा पे इसको गरम किया और गरम करके मिक्सी में पीस करके इसका पाउडर बना के और डब्बे में बंद करके रख दे। इसको खुला नहीं रखे, इसका सुगंध उड़ जाने पे फिर ये काम नहीं करता इतना अच्छा। तो ये मैंने 1.5 चम्मच गरम मसाला लिया है। तो सबसे पहले चिकन को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से क्या होता है, इसका जितना भी एक्सेस ऑयल है फ्राई करने से एक्सेस वाटर में निकल जाता है और बिल्कुल हाई फ्लेम पे निकल चिकन जो है वो जूसी बना हुआ रहे। मैरिनेट वाला जो लिक्विड बचा हुआ है इसको ग्रेवी में यूज कर लेंगे। इसे मैंने 5 मिनट तक पकाया है मीडियम हाई फ्लेम पे, कवर करके बीच बीच में इसको चलाते रहिए। अब ये फ्राई हो गया, बहुत ज्यादा भी फ्राई नहीं करना है। अब उसी तेल में पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, लौंग इलायची, ये जो मैंने खड़ा मसाला लिया था, और थोड़ा सा 1 इंच जीरा। इसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, बहुत जल्दी में बनाना होता है, तो अदरक लहसुन और प्याज को कुकर में डाल करके और 1 कप पानी डाल करके 2 सीटी तक पका लें। उसके बाद फिर इसमें ऑयल में डालने पे वो भी बहुत जल्दी ग्रेवी बन जाता है, लेकिन वैसे अगर टाइम दे करके अगर बनाते हैं तो उसका तो मजा ही कुछ और है, उसका स्वाद ही कुछ और है। इसको अच्छे से मिक्स करके और इसमें नमक अभी नहीं डालेंगे, इसको ढक देंगे। कई बार क्या होता है कि प्याज बहुत जल्दी गलता नहीं है, तो इसके लिए 1/2 टीस्पून इसमें चीनी अगर ऐड कर देंगे, ये देखिए बस इतना था, तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। और फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दे और इसको कवर कर दे। ये देखिए करीब मैंने 1 मिनट के लिए सिम पे करके रखा था,
अभी प्याज भी गल गया है। अब इसमें सारे मसाले डालेंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर मिक्स करेंगे और प्याज को थोड़ी देर और पकाएंगे। इसको ढक देंगे, इसको ढक दे। अब इसमें ये जो लिक्विड बचा था मेरे नेट वाला वो डाल देंगे। इसको करीब मैंने प्याज को 1.5 मिनट के करीब भूना था। इसमें चिकन भी डाल देंगे, दोनों को मिक्स करके करीब 5 मिनट के लिए ढक के कुक करेंगे। अब ये 5 मिनट अच्छे से कुक हो गया है। अब इसके बाद दही डालेंगे। दही डालने के बाद फ्लेम को तेज ही रखेंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे 2 मिनट तक। नहीं चलाने से क्या होता है, दही फट जाता है, फिर वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और टेस्ट भी गंदा लगता है। अब ये देखिए धीरे धीरे कलर भी चेंज हो रहा है। इसके बाद गैस को सिम करके कवर कर देंगे। दही डालने से पूरा तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें कश्मीरी मिर्च और ये गरम मसाला डाल के 1 कप के करीब पानी डालेंगे। ये पानी आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। एक उबाल आने तक इसको उबाल कर इसको कवर करके 1 से 1.5 मिनट तक पकने दें। अब चिकन कुक हो गया है। अब इसमें तड़का लगाएंगे। मैं एक पीस निकाल के दिखा दे रही हूँ। ये देखो ये अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब इसमें तड़का लगाने जा रहे हैं। ये घी, फिर इसमें जीरा, नॉनवेज जब भी बनाते हैं उसमें अगर घी और जीरा का तड़का लगाते हैं तो बहुत ही उसका स्वाद बढ़ जाता है। और ये लगा तड़का।